सर, कांग्रेस ने बार नीरव मोदी को छोटा मोदी भी कहा है और जिस ढंग से वो इंडिया से भाग गए हैं, कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 3 से 4 साल में बिजनेसमैन जो बैंक से पैसा लेते हैं उनको भगाने का काम किया ये सरकार, कैसे देखते हैं उनको सारी मामले? नीरज जी, नीरव मोदी को लोन दिया गया 2011 में और वो जनवरी 2018 में पहले हफ्ते में देश से बाहर चले गए और ये जो फ्रॉड है, जो घोटाला है, ये लगभग 3rd-4th हफ्ते में जनवरी के ये बाहर आया और पीएनबी के अधिकारियों ने इसको जो है वो अनर्थ किया। तो मेरा कहना ये है कि जहाँ तक नीरव मोदी की बात है, वो राहुल गांधी के क्लोज एसोसिएट हैं और राहुल गांधी एक पार्टी, उनकी पार्टी में, निजी पार्टी में जो है उपस्थित हुए थे और शहजाद पूनावाला ने तो उसके कपड़े तक जो है बता दिए कि किन कपड़ों में वो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेशर्मी है कांग्रेस की। कांग्रेस के समय में उनको लोन दिया गया, कांग्रेस के समय में ये फ्रॉड हुआ और आज मोदी सरकार के समय में ये बाहर आया है और ये सरकार की सफलता गिननी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसको बेशर्मी के साथ जो है वो मोदी नाम होने की वजह से इसको जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, नीरव मोदी अकेले नहीं हैं जिनको कांग्रेस ने फ़ायदा पहुँचाया है। मैं जानता हूँ हमारे जो फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड है जिसके मालिक अनूप बाड्रा हैं और वो अपने आप को रॉबर्ट बाड्रा का चचिया ससुर मानते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के समय में लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ का जो लोन लिया है वो गलत तरीके से बैंकों ने उनको दिया है और इसमें कई बैंक इन्वॉल्व हैं और उसमें सीधा सीधा जो है, क्योंकि वो रॉबर्ट वाड्रा से उनका नाम जुड़ता है, तो मैं जल्दी ही इस पर एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि किस प्रकार कांग्रेस के टाइम में एक इंक्वायरी होने के बाद, उनके ऊपर छापे पड़ने के बाद, ये सिद्ध होने के बाद कि वो सब फर्जी कंपनियां चला रहे हैं और फर्जी नाम पर उन्होंने लोन लिया था, फिर भी कांग्रेस ने उनको फेवर किया और क्योंकि वो वाड्रा थे और रॉबर्ट वाड्रा के चचिया ससुर होने का जैसा वो क्लेम करते हैं, उनके जो जिस तरह से फेवर किया गया कांग्रेस के टाइम में बैंकों के द्वारा, उससे ये सिद्ध होता है कि बैंक दबाव में थे और किसी न किसी ऊपर के कांग्रेस के बड़े नेता के दबाव में थे। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा फैमिली और गांधी परिवार जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था और उन्होंने लगभग 4-5 हज़ार करोड़ रुपये का गलत लोन जो है उसको दिलवाया। तो ये कांग्रेस के समय में एक नहीं, मेरे पास जहाँ तक जानकारी है, मैं सैकड़ों कंपनियाँ जो हैं वो आने वाले समय में हम उसकी लिस्ट जारी करेंगे जिसमें कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को बैंकों के माध्यम से फेवर किया है, गलत तरीके से फेवर किया है और देश के बैंकों का जो पैसा है, जो आम आदमी का पैसा है, जनता का पैसा है, उसको डुबोने का काम जो है कांग्रेस के टाइम में हुआ है। मैं आज प्रधानमंत्री जी को और अपनी सरकार को ये बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इस दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत करी है और इस नीरव मोदी के बाद अभी आने वाले समय में और भी कंपनियों के नाम जो हम देंगे और निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी और कांग्रेस का के समय में जो किए गए काले कारनामे हैं वो जनता के सामने आएंगे। जो उन्होंने पैसा लुटवाया है उसको हमारी सरकार लाने का काम कर रही है, उसको रिकवर करने का काम कर रही है और जिस तरह से ये बहुत थोड़े समय में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और आधा पैसा जो है तुरंत रिकवर कर लिया, ये मोदी सरकार की सफलता है, इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए।